केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सोमवार को हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 100 साल की नींव रखने वाला बजट पेश किया है, जिसमें रक्षा के क्षेत्र में 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो कि देश की आत्मनिर्भरता और रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सर्वांगीण विकास के लिए यह बजट दिया गया है। अजय भट्ट ने कहा कि इस बार हर क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा भेजे जाने वाले प्रोजेक्टों के लिए भी केंद्र सरकार तत्काल बजट जारी कर रही है। ऐसे ही कई अन्य योजनाएं भी जल्द संचालित की जाएंगी। इसके अलावा उड़ान योजना बंद होने के बाद पंतनगर देहरादून हवाई सेवाओं को भी पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत रखने की बात भी केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे लोकल उत्पादों को आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट मिल रहा है। वहीं देश में जल्द ही 740 एकल विद्यालय भी खोले जाएंगे। किसी भी विभाग का बजट घटा नहीं है, हर विभाग का बजट बढ़ा है। और कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें तो एकदम से बजट जंप किया है, युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, आदिवासी इलाकों के लिए, कृषि क्षेत्र में। अब आप देखिए कि जो हमारे फिशरीज का काम करते हैं उनकी तक हमारी सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में बजट में बढ़ोतरी करी है, ताकि उनका रोजगार निर्बाध रूप से चलता रहे। तो कोई भी क्षेत्र उठा के देख लें, कोई भी विभाग उठा के देख लें, अब रक्षा के क्षेत्र में ही ऐतिहासिक बजट में बढ़ोतरी हुई है, और कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और फिशरीज के क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं, होम जो है हमारा मंत्रालय उसमें भी, हर जगह। और एक बड़ी बात यह है कि वाइब्रेंट विलेज, सबसे बड़ी बात यह है, उसके लिए पृथक से बजट का प्रोविजन किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में बजट रखा गया है। अब सरकार ने साफ साफ कहा है कि हमारे बॉर्डर इलाके के जो गांव हैं वहां का पलायन रुके, वहां की जनसंख्या बढ़े, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, वहां बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, किसी चीज़ की कमी न रहे। तो ये एक ऐतिहासिक काम किया है कि वाइब्रेंट विलेज का जो प्रोविज़न हुआ है उसके लिए बजट निर्धारण हुआ है। ये भी एक इतिहास हमने रचा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, कि हमारे बॉर्डर के गांव जो खाली हो रहे थे दिनों दिन और दूसरे लोगों को अंदर आने का मौका मिल रहा था, अब वो कुछ दिनों में पूरी तरह से वही सुविधा वहाँ पाएंगे जो सुविधा शहरी क्षेत्र में पा रहे हैं।